मैं हूँ योशु मायापुरी। न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मार्च में ऐसे रिपोर्ट सामने आए थे कि शनाया कपूर अपना बॉलीवुड डेब्यू देने जा रही हैं धर्मा प्रोडक्शंस के द्वारा। बता दें कि इस फिल्म को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने जा रही है। वहीं अब ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि शनाया ने ऑलरेडी इस फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट शनाया कपूर के फादर संजय कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर भी अनाउंस किया, न्यू बिगिनिंग, सो प्राउड ऑफ यू, वर्क हार्ड, फोकस, दिस इज ओनली द बिगिनिंग, स्काई इज द लिमिट, फर्स्ट डे शूट, एक्साइटिंग टाइम्स, लव यू। बता दें कि इस फिल्म का टाइटल रखा गया है दोनों मिले। इस तरह इस फिल्म की शूटिंग इस साल जुलाई से शुरू होने वाली थी, हाउएवर पेंडेमिक के चलते ये शूटिंग डिले हो गई और अब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। अगस्त्य नंदा जो सिर्फ 20 इयर्स के हैं, ग्रैंडसन है अमिताभ बच्चन के। बता दें कि मिस्टर बच्चन की डॉटर श्वेता के बेटे हैं और इसी के चलते लॉन्च हो रहे हैं बॉलीवुड में। ऐसा बताया जा रहा है कि वो लीडिंग मैन का किरदार निभाएंगे जोया अख्तर की अपकमिंग बॉलीवुड अडैप्टेशन ऑफ आर्ची कॉमिक में। शाहरुख खान की बेटी और श्रीदेवी की डॉटर भी इस प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। जोया अख्तर का बड़ा म्यूजिकल बताया जा रहा है ये। बता दें कि सुहाना खान और खुशी कपूर भी इस फिल्म में नजर आएंगे। तीनों को इस फिल्म में साथ में डेब्यू करता हुआ देखना एक ट्रीट से कम नहीं होगा। सोर्सेस की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि सुहाना प्ले करेंगी बॉलीवुड बेटी और खुशी प्ले करेंगी वेरोनिका का रोल। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स ने अब डिसाइड किया है कि वो एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ओटीटी मार्केट में। इंडस्ट्री में ओटीटी मार्केट का काफ़ी ज़्यादा बस चल रहा है। वहीं आदित्य चोपड़ा के ग्रैंड प्लान्स है कि वो डिजिटल कंटेंट मार्केट को रीशेप करना चाहेंगे। इसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 500 करोड़ YRF ओटीटी आर्म के लिए और इसे YRF एंटरटेनमेंट बुलाया जाएगा। एक ट्रेड सोर्स से कंफर्म हुआ है कि आदित्य चोपड़ा चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करे डिजिटल कंटेंट में, एज उसका बार जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुका है और वो बार को और भी ज़्यादा रेस करना चाहते हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और विजन्स को मैच करना चाहते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कर रही है। बता दें कि एक अनदर हिट है अक्षय कुमार के चलते। वहीं अक्षय कुमार को अब इस फिल्म के चलते एक मेगा डील मिली है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। रोहित शेट्टी ने एक डील क्रैक कर दी है, नेटफ्लिक्स से ये डिजिटल प्रीमियर की डील मिली है। बता दें कि सूर्यवंशी नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाली है सूर्यवंशी के थिएटर रिलीज के एक महीने बाद। बता दें कि इसी के चलते नेटफ्लिक्स ने सूर्यवंशी के मेकर्स को 100 करोड़ ऑफर किए हैं कि वो नेटफ्लिक्स पर अपनी फिल्म को प्रीमियर करें। 4 दिसंबर में सूर्यवंशी नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर की जाएगी। विकी कौशल ने रिसेंटली शो इनटू द वाइल्ड विद बियर गिल्स को शूट किया और यहाँ इस शो के एपिसोड में हमने ये भी देखा कि उन्होंने ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में भी बात की जो वो चाहते हैं कि उनकी फ्यूचर वाइफ में हो और उनके मैरिज प्लान्स के बारे में भी उन्होंने बात की। बता दें कि इसी के चलते विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी के कई सारे रूमर्स सामने आ रहे हैं। अपने मैरिज प्लान्स के बारे में बात करते हुए विकी कौशल ने कहा कि वो शादी ज़रूर करना चाहते हैं और क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कोई चाहिए जो उन्हें घर की याद दिलाए, जो उन्हें घर जैसा एहसास दिलाए और दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर करंटली वेकेशन मना रही हैं दुबई में अपनी बहन खुशी कपूर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। थर्सडे के दिन यंग एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टनिंग पिक्चर्स शेयर किए जिसमें हम उनको फ्लोरल कलर के बिकिनी में देख सकते हैं। वो अपना टाइम एंजॉय कर रही हैं सी साइड पे। उन्होंने एक फन वीडियो भी पोस्ट की जिसमें हम देख सकते हैं कि वो जेट्स की राइड पर मजे कर रही हैं। वहीं उन्होंने कैप्शन किया इस पोस्ट को लुंगी डांस। कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी जाह्नवी कपूर के इस पोस्ट पर रिएक्ट किया, जैसे कि कियारा अडवाणी, भूमि पेडनेकर और संजय कपूर। जाह्नवी कपूर के अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो जाह्नवी हमें दोस्ताना 2 में नजर आने वाली है और गुड लक जेरी में भी नजर आएगी। कर
करण जौहर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी स्टारिंग रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की शूटिंग चल रही है और अब फिल्म मेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वो आलिया भट्ट को फिल्म सेट के ऊपर रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यहाँ पर केजो जो है रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं आलिया भट्ट के साथ और उन्हें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हम देख सकते हैं पूछते हुए। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जस्ट सम नाइट शूट रैम्बलिंग्स, नेक्स्ट वन विद रॉकी, वॉच दिस स्पेस। यहाँ पर आलिया भट्ट को हम क्वेश्चंस का आंसर देते हुए देख सकते हैं और साथ ही में वो काफी ज्यादा स्ट्रेस नजर आ रही है इन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए। बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर ने अनाउंस कर दिया है अपना अगला प्रोडक्शन टाइटल्ड गोविंदा नाम मेरा। बता दें कि इस फिल्म में नजर आएंगे विकी कौशल लीडिंग रोल में। वहीं बता दें कि इसका फर्स्ट लुक अनवील हो चुका है। 12 नवंबर 2021 को इस फिल्म का फर्स्ट लुक अनवील हुआ। ये फिल्म 10 जून को रिलीज होने जा रही है। करण जौहर ने इसके पोस्टर के साथ इसके पोस्ट में लिखा, मीट गोविंदा वाघमारे, हार्ट ऑफ गोल्ड एंड डांस मूव्स आर बोल्ड, प्रेजेंटिंग हैशटैग गोविंदा नाम मेरा, वेयर देयर विल बी अनलिमिटेड लाफ्टर कंफ्यूजन एंड केओस इन सिनेमाज ऑन 10th June 2022। शेयर करते हुए इसका फर्स्ट लुक करण जौहर ने भूमि पेडनेकर को भी इंट्रोड्यूस किया एज मिसेस वाघमारे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर कंट्रोवर्सी में पड़ चुकी है अपने रीसेंट कमेंट्स के चलते। बता दें कि उन्होंने ये कहा था कि इंडिया को रियल फ्रीडम 2014 में मिला था जब बीजेपी लीड गवर्नमेंट में आई थी। वहीं बता दें कि उन्होंने ये कहा था कि इंडिपेंडेंस 1947 में एक भीख थी जिसके चलते अब उनके खिलाफ एक कंप्लेन फाइल किया गया है। प्रीति मेनन ने इस चीज की कंप्लेन की है। प्रीति मेनन नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आम आदमी पार्टी की और उन्होंने इस टर्म को, इस स्टेटमेंट को काफी डेरोगेटरी स्टेटमेंट कहा है जिसके चलते उन्होंने कंगना रनौत के अगेंस्ट केस फाइल की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस अपने इंस्टाग्राम पर काफी अच्छी फैन फॉलोइंग एंजॉय करती हैं। जैकलिन फर्नांडिस के इंस्टाग्राम पर 56.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आए दिन जैकलिन कोई ना कोई फोटोज या वीडियोस शेयर करती रहती हैं। हाल ही में जैकलिन ने एक ब्लू कलर के लेपर्ड प्रिंट मोनोकिनी में कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं जो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पर। इस पिक्चर में हम पूल साइड में जैकलिन को पोज करते हुए देख सकते हैं इस लेपर्ड प्रिंट मोनोकिनी में और अपना परफेक्टली टोन फिगर फ्लॉन्ट करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर जैकलिन फर्नांडिस ने शेड्स पहने हैं अपने स्टाइल को और भी ज्यादा ग्लैमराइज करने के लिए। इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए जैकलिन फर्नांडिस ने कैप्शन में लिखा, पूल बेबी, ये पिक्चर्स दुबई के है। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।